हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IMU-CET 2021 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जी हाँ गाइस, आप लोग IMU-CET 2021 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है गाइस, यहाँ पे रिलीज हो चुका है। किस तरह से फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, कंप्लीट लाइव एप्लीकेशन फिल करके बताएंगे इस वीडियो में। सिंपली आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज। थोड़ा नीचे आने पे यहाँ पे देख सकते हैं आपको नोटिफिकेशन कॉलम दिखा देगा, सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक है टू अप्लाई इस लिंक पे क्लिक करेंगे, तो इस लिंक पे क्लिक करते गए आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पूरी डिटेल दे दी गई है, लाइक यहाँ पे एकेडमिक ब्राउचर आपको यहाँ पे दे दिया गया, फिर नोटिफिकेशन दे दिया गया रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर अगर आपको यूजी या फिर बीटेक बीएससी के लिए गाइस यहाँ पे एडमिशन चाहिए तो यूजी की लिंक दे दी गई है, यहाँ पे बीबीए की लिंक दे दी, जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली उस लिंक पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो गाइस आप लोगों के सामने यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको न्यू यूज़र क्लिक है फॉर बेसिक रजिस्ट्रेशन, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ से आप नीचे से डेट्स भी डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं, पूरी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे दे दी गई है। अब जैसे रजिस्ट्रेशन पे आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स पूरी पढ़ लेनी है। यहाँ पे सिंपली आपको आए इंडस्ट्रीट पे क्लिक करके प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना होगा। सबसे पहले सीईटी अप्लाई किस लिए करें आपको वो सेलेक्ट करना है, यूजी के लिए एमबीए एमटेक वो सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर कैसे आपको अपना नाम एंटर कर देना होगा, अपना नाम री एंटर कर देना है, नेशनलिटी आपकी सेलेक्ट कर लेनी होगी, आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी होगी। देन उसके बाद सिंपली डिफरेंशियली एबल हो येस या नो में आंसर देना होगा आपको। डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैसे आपका जो भी ईमेल एड्रेस रहेगा वो सिंपली आपको अपना जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देना होगा। तो यहाँ पे सागर कुमार प्रोफाइल @gmail.com यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल एड्रेस एंटर कर दिया। सेम ईमेल एड्रेस आप लोगों को यहाँ पे जो है नीचे भी एंटर कर देना होगा, सागर कुमार प्रोफाइल @gmail.com। तो उसके बाद सिंपली आप लोगों को अपना जो मोबाइल नंबर है कैसे वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सारी डिटेल्स फिल करेंगे तो अगर सारी डिटेल्स अगर सही रहेगी तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते सारी डिटेल्स एक बार वेरीफाई करके कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे कंफर्म एंड सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करते गए आप लोग यहाँ पे कंप्लीटली रजिस्टर्ड हो चुके हो। अब रजिस्टर हो चुके तो आपके मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा और ईमेल एड्रेस पे एक OTP है, वो OTP यहाँ पे एंटर कर देना है। देन सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा, आपका ईमेल और आपका मोबाइल नंबर ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। देन आपको सिंपली गाइस आपके जो है ईमेल पे मोबाइल पे यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स भेजेगी, उसके थ्रू आप लोगों को सिंपली लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा, लॉगिन करना होगा और फिर डायरेक्टली जो भी आपका आगे का कंप्लीट डिटेल्स पेंडिंग है, यूजर आईडी पासवर्ड आपने जो आपको अपने ईमेल पे मोबाइल नंबर पे दे दिया जाएगा वो सिंपली आपको एंटर कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करना है, अपने अकाउंट में लॉगिन होने के बाद सिंपली वहाँ से आपको जो है कंप्लीट डिटेल्स जो एप्लीकेशन के पेंडिंग डिटेल्स फिल करके सबमिट करनी है, एप्लीकेशन चार्जेस पे करने और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इनकेस कोई प्रॉब्लम फेस होती है, कोई भी इशू तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नॉलेजेबल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।